हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। देखिए, ये भी लगभग 20 इंची का सीमेंट का पॉट है और इसमें मैं जो है ये चंपा का पौधा लगा रखा हूँ और हर साल इसकी मैं देखिए हार्ड प्रूनिंग कर देता हूँ, देख सकते हैं आप। और फिर इसमें नए नए सारे बहुत सारे ब्रांच आ जाते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये पौधे, ज़मीन में तो और भी बड़े हो जाते हैं। और देखिए किस ढंग से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और लो मेंटेनेंस का पौधा है, इसमें कोई बहुत विशेष खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो है। और इसकी कटिंग भी बड़े आराम से बारिश में लग जाती है और बढ़िया जो है इसमें फ्लावरिंग होती है। और बस पानी इसमें लगभग आप डेली डाल सकते हैं या एक दिन छोड़ के भी डाल सकते हैं अगर बड़े पॉट में है तो देखिए कितना बढ़िया जो है इसकी फ्लावरिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया ढंग से फ्लावरिंग हुई है। तो आप लोग भी अपने टेरिस पे इसे लगाइए, देखिए कितना बढ़िया जो है बंच का बंच, जो सफ़ेद है और बीच में थोड़ा ग्रीनिश येलो लेकर के है। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रांच में जो है इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, डेली का डेली फ्लावरिंग होता है और बहुत ही बढ़िया लगता है इसे देख करके जो है। तो आप लोग भी अपने टेरिस पे लगाइए और ये 60 से 70 रुपए में या मैक्सिमम 80 रुपए में आपको ये पौधा जो है नर्सरी में मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास में कहीं भी जो है अगर इसका प्लांट हो तो आप इस तरह का कोई भी डंटी आप इसे डाली काट करके और मिट्टी में ग्रो कर दें तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो आप लोग भी अपने टेरिस पे लगाइए और फूलों का भरपूर आनंद लीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।